हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिंह। आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चुरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था औसत का। इसमें देखो, मैंने आपको कल इसकी बेसिक बातें वो सारी बताई थी। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको देखो आप। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा है 39.6, 48.7, 26.5, 34.7, 86.5 का औसत ज्ञात करो। और इसने ऑप्शन ए में लिख रखा है 47.2, ऑप्शन बी में लिख रखा है 48, ऑप्शन सी में आ रहा है 46.5 और ऑप्शन डी में आ रहा है 47.5। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता है औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या होता है, यानी इन सब का योग करके आपको निश्चित संख्या बालकाना है। तो 39.6 प्लस 48.7 प्लस 26.5 प्लस 34.7 86.5, तो देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 बटे में आपको लिखना है 5। पहले इन सबको जोड़ लोगे आप तो 5, 7, 12 हो गया ना, 12, 7, 17 और 17, 7 कितने हो गए 24 और 24 6 हो गए 30। असल 3 आ रही है, 3, 6, 9, 4, 13, 6, 19 और 8, 27, 27 और 9 कितने हो गए 36, 3 हासिल, 3, 3, 6, 4, 10 दोबारा 15 और 8 कितने हो गए 23 हो गए, बटे 5 आ रहे हैं। अब इसका मैं तो होता नहीं है पॉइंट के 1-0 का, 5 का वाल का देखिए, तो 4 5 20 बचा 3, 6 17 7 5 35 बचा 1.0 दो बार, तो आंसर आ गया 47.2। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। इसी तरह से आप आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आ रहा हमारे पास, यानी 20, 30, 40, 50 तथा 60 का औसत ज्ञात करो। 60 का औसत पूछा आपसे और ऑप्शन ए में आ रहा है 200, ऑप्शन बी में आ रहा है 45, ऑप्शन सी में आ रहा है 40 और ऑप्शन डी में आ रहा है 20। अब देखो औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, यानी आपको इनके योग में क्या करने की संख्या का बालगाना है। तो यानी योग का मतलब 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, संख्या काउंटिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5 5 आ गया, इनको जोड़ो। अब जैसे पहले 0 आ गया, फिर 6 और 5 11 15 18 2 20 बटे 5 आ रहा है, अब इससे 5 का भाग लगा दो तो 4 और 5 20 40 आ रहा है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की। देखो 3 नंबर 2 प्रश्न हमारे पास है, उसमें आपके वो करना क्या है, देखो इसमें आ रहा है मेरे पास क्या, यानी 1 से 30 तक की सम संख्याओं का
औसत पूछा है सम संख्याओं का औसत, और ऑप्शन में क्या रहा है 11, बी में 9 और सी में 8, डी में 7। ये देखो चार संख्या, अब देखो इनको आप अगर ऐसे जोड़ के करोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको देखो अलग से तरीका बताया था, n प्लस 2/2 होता है, ठीक है ना। जब आप लगातार सम संख्याओं का औसत निकालते हो तो n प्लस 2/2 होता है, तो यहाँ पर औसत आपका आएगा n प्लस 2/2, तो n का मान 30 है सारा, तो 30 प्लस 2/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें भी 32/2 आ जाएगा ये, और 32/2 का मतलब क्या देगा, सॉरी मैंने देखो इसकी ऑप्शन थोड़े से गलत लिख दिए हैं, ये भी इसकी ऑप्शन ही आएंगे, ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिया 15, 16, 20 और ये 17 ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 32/2 यानी 16, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया है, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया। तो जब भी आपसे सम संख्याओं का औसत पूछ ले तो हमेशा क्या निकालना है आपको, n प्लस 2/2 से माध्यम से आपको निकालना है। अब देखो नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 4 में क्या है, इसे पूछा है 1 से 13 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। तो देखो विषम संख्याओं के लिए आपको रूल ध्यान में रखना है n प्लस 1/2, और सम के लिए याद रखना है n प्लस 2/2। इसमें आपके पास ऑप्शन में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है 9 और सी में आ रहा है 8, डी में आ रहा है 7। औसत का मतलब क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 याद रखना है। विषम संख्याओं का निकालना हो तो n प्लस 1/2, और सम संख्याओं का निकालना होता क्या होता है, n प्लस 2/2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, विमान आपका 13 प्लस 1/2 यानी 14/2 यानी 7, ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको क्या करना था, कंप्लीट करना था। इसी तरह से आप आगे प्रश्न संख्या 5 को देखिए, 5 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, देखो पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं, एक आदमी रुपये 22.50 मजदूरी से 35 रुपये व्यापार से, यानी रुपये 35 व्यापार से और तथा 45.50 ट्यूशन से प्राप्त करता है तो उसकी प्रतिदिन की औसत आय बताओ, तो उसकी प्रतिदिन की औसत आय, प्रतिदिन की औसत आय पूछिए आपसे, ठीक है ना। और आपको इसमें ऑप्शन दिया उसने क्या, रुपये 34.33, बी में आ रहा ऑप्शन रुपये 35 और सी में आ रहा है रुपये 34 और डी में आ रहा है रुपये 30। ये चार ऑप्शन है, अब चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो हमें क्या करना है इसमें चुनना है। तो देखिए कैसे चुनेंगे, सबसे पहले औसत का मतलब क्या हो गया है, योग बटा संख्या, यानी इन सब का आपको योग करना है, किसका 22.50 प्लस 35.00 प्लस 45.50 बटे में कितना है, देखो 1, 2, 3 संख्या है, तो बटे मारा 3,
देखो पहले इनको जोड़ते हैं सबको, जीरो 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 आ रहा है, फिर पाँच जीरो पाँच पाँच दस ऐसे लेकर आ रहा है अभी, एक दो तीन और पाँच आठ, आठ पाँच से तेरह ऐसे लेकर आ रहा है, पाँच तीन आठ दो दस बटे मारा तीन, इसका को मैं तो नहीं जीरो का। अब तीन का बाल लगाएंगे आप, तो तीन तिया नौ, चार तिया बारह, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तो 34.33 रुपीज़ क्या जाएगा आपका, जो औसत है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह आप 21 और देखोगे नेक्स्ट, जैसे मान लो इसमें देखो मेरे पास छह संख्याएं हैं, यानी प्रश्न में लिखा है छह संख्याएं, दो चार छह आठ अक्स बारह का औसत सात हो तो अक्स का मान होगा, और ऑप्शन क्या दिया इसने, ए ऑप्शन में लिखा है नौ, बी ऑप्शन में दस, सी ऑप्शन में ग्यारह और डी ऑप्शन में सात। ये प्रश्न लिखा हुआ है और ये इसके क्या है, चार ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न को करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा, औसत बराबर क्या आएगा हमारे पास, योग बटा संख्या, ये हमने अपना रूल पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर औसत तो पहले से आपको सात दिया गया ही, या तो सात रख दो। अब योग का मतलब इन सभी को जोड़ना आपको छह संख्याओं को, तो दो प्लस चार प्लस छः प्लस आठ प्लस एक्स प्लस बारह, पिगनो एक दो तीन चार पाँच छः बटे मारा छः। अब सात बराबर आएगा एक्स द्वारा सेम चर का मान, इनको जोड़ो तो बीस छब्बीस तीस दो बत्तीस बटे में चार है एक माना भी। अब इनको वज्र गुणा कराओ, तो ये इससे गुणा हो रही है और इससे गुणा हो रही है, तो देखो एक तो गुणा होगा एक्स प्लस बत्तीस से और सात गुणा होगा छः से, तो मान ये तो सेम आएगा बिल्कुल, वो आ रहा छः संत्यो बयालीस, यानी एक्स प्लस जो बत्तीस है वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, बयालीस के बराबर आ रहा है। तो अब आपको तो एक्स प्राप्त करना, देखो इधर ये संख्या जोड़ में है और आप जानते हैं जोड़ की संख्या पक्षांतर करने में बाकी में, बाकी की जोड़ में, गुणा की भाग में और बाकी गुणा में, ये चारों नियम पढ़ाया ना आपने। अब देखो इसी नियम के हिसाब से ये संख्या आपकी जोड़ में है तो उधर किस में जाएगी, बाकी में जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा यानी एक्स बराबर आएगा मेरे पास बयालीस माइनस बत्तीस, और जब आप इनको घटा दोगे दोनों को तो मान क्या बचने वाला है, अभी हमारे पास यहाँ पर दस बचने वाला है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो रहा है, दस यानी बी ऑप्शन आपका दस वाला राइट हो रहा है। तो देखो बच्चों आज अब नहीं है, औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उनकी स्टडी की है, बाकी देखो जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अपने जो ये पढ़ा है इनका दोबारा से रिवीजन करना है, कोई समस्या है तो आप बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।